हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। लेकिन कैराना की 3 दिन से हमारी लगातार रिपोर्ट है और मुस्लिम क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। ये सरसावा ब्लॉक का अंतिम गांव है, खेड़ा में बात। यहाँ के प्रधान जी राव अब्दुल हाई हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं अब की बार क्या मुस्लिमों का समीकरण रहेगा और इस क्षेत्र में कैसा माहौल है। जी स्वागत है आपका समाचार। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। प्रधान जी बताया कैसा माहौल है अब की बार यहाँ। देखिए हमारी अपनी ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं पहले। हमारा मुस्लिम बहुल्य गांव होने के नाते यहां से बीजेपी का बहुत न के बराबर वोट था। ये कह लीजिए कि अगर 2022 का भी रिकॉर्ड उठाया जाएगा तो लगभग 100-120 के आसपास यहां से वोट बीजेपी को मिले होंगे। लेकिन इस बार इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये मान लीजिए कि अब की बार ज़्यादा तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन 1000 वोट का टारगेट मेरा अपना मिनिमम है कि हम यहाँ से 1000 वोट बीजेपी को हर हाल में दिलवाएंगे इंशाल्लाह। उसके पीछे क्या कारण है प्रधान जी? मुस्लिम जो है बीजेपी से बहुत करता था और कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं। यहाँ पर देखा जाए इकरा को क्यों ऐसा है कि इकरा में क्या कमी नज़र आई, कैसे देखते हैं उसको? देखो मैं आपको बताऊँ, 13 मार्च 2014 को नाहिद हसन हमारे ही घर आए थे और मैंने 2014 में ही हसन परिवार को वोट दिया। उसके बाद आज तक वो इस गाँव में नहीं आए हैं। 2018 का जो उपचुनाव हुआ मैंने अपनी तरफ से मुखालफत तो बिल्कुल नहीं की, लेकिन हमने वोट नहीं डाला किसी को भी, ना उनको डाला ना इनको डाला। 2019 के चुनाव में हमने हरेंद्र मलिक को वोट डाला। सिर्फ एक चुनाव कह लीजिए कि 2014 का जो हमने उनको दिया है वोट, उसका कारण यह है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम समाज से, हमारी कम्यूनिटी से वो आते हैं, उन्होंने इस कौम के भले के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जी जी, वो एक ऐसा हसन परिवार, एक ऐसा घराना है, सियासी घराना जो 1984 से लेकर आज तक, जिस तारीख में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज तक उस परिवार के पास कुछ ना कुछ पद हर हाल में रहा है। चाहे नगर पालिका के चेयरमैन रहे हों, चाहे वो कैराना से विधायक रहे हों, चाहे कैराना से या मुजफ्फरनगर से वो सांसद रहे हों। आप कैराना से लेकर खेड़ा मवाद तक पहुँच जाइए, उनके ज़रिए कौम के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए या पूरी इंसानियत के लिए कह लीजिए, उनको उन्होंने कोई इदारा बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, किसी आदमी के लिए कोई अच्छा काम उन्होंने किया हो, एक मिसाल अगर आप मुझे दे दो मैं उन्हीं को साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप पहले देखा जाए आपका राजनीतिक करियर अच्छा रहा, देखा जाए आप इमरान मसूद जी के साथ थे और लगातार आप रहे, अब की बार कैसे देखते हैं? इमरान मसूद जी की सपोर्ट तो इकरा को है, तो आप उसमें कैसे, फिर कैसा रहेगा वो, पेचीदा है थोड़ा मामला? देखिए वो बात सही है, इमरान मसूद साहब का सीट भी अलग है और मेन चीज़ यह है कि इमरान मसूद साहब को हमने वोट दिया ही है, उनसे हमें मोहब्बत भी थी, ऐसा नहीं है। और नेताओं से देखिए सिस्टम क्या है, देखिए मैं आपको पहले भी एक दिन हमने बताया लोगों को, वहाँ हमने अपनी बात में भी कहा कि चुनाव एक मूल्यांकन होता है। पहली बार 2024 का इलेक्शन मेरे हिसाब से, नज़रिए से ये हो रहा कि हिंदू और मुसलमान पहली बार है कि नहीं हो रहा है चुनाव। मुसलमान अच्छी खासी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। उसका कारण ये है कि जो सामने कैंडिडेट खड़ा है वो सिर्फ किस बेस पर वोट लेना चाहते हैं, एक मासूम चेहरा बस। ये आरोप को कैसे देखते हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है, जबकि देखा जाए ये योजनाएं कैसी है सरकार की, उस योजनाओं से जैसे आप 2.5 साल आपके कार्यकाल को हो गए, 2.5-3 साल हो गए, क्या योजनाएं सरकार सही से दे रही है, क्या सरकार को वोट है या कैंडिडेट को वोट है? देखिए मैं आपको बताऊं, सही बात यह है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम योजनाएं हैं, आम जन के लिए हैं, उसमें जाति और धर्म के लिए कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ये आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। जो सामने कैंडिडेट लड़ रहा है उससे भी पूछिएगा कि कितने मुस्लिम समाज के लोग जो आपको वोट करेंगे या आपके समर्थक हैं, उनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं, उनके भी आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, परसों ही मेरा इंटरव्यू था सांसद जी से, उन्होंने यही बात कही कि हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सभी आम जनमानस तक पहुँच रही है, उसमें हिंदू भी मुस्लिम भी, इसी यही कारण है कि हमारी ये तो जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और मैं आपको देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपने एक वाक्य सुना होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के टाइम में एक बादशाह थे फिरौन, उस वक्त वो खुदाई का दावा करते थे, जब तक उनका दस्तरखान वसी था, दस्तरखान चल रहा था, अल्लाह ताला ने उसे उस दिन उस वक्त तक गर्क नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल नहीं हुई, जिस दिन उन्होंने अपना दस्तरखान हटा लिया उसी दिन अल्लाह ताला ने दरिया नील में उसको गर्क कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के जो कल्याणकारी योजना है, ये जो खाद्य सुरक्षा का जो ये योजना है NFSA की, गरीब कल्याणकारी योजना है अनाज की, जब 80 करोड़ लोगों के लोग पेट भर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ खुदा भी इनसे नाराज़ होगा। तो जिनसे खुदा नाराज़ ना हो, हम हमारी क्या हैसियत? आयुष्मान कार्ड को कैसे देखते हैं, इतना एक लाभकारी है जो बीमारी के ऊपर इस तरीके का एक योजना लागू की है, जैसे चल रही है? देखिए एक बहुत अच्छी योजना है, सच्चाई है ये, देखिए एक फैक्ट है और सच्चाई से आँख मिलानी चाहिए।
सच्चाई को नज़रअंदाज न करना चाहिए किसी भी धर्म के चश्मे। अपना कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें MSP की गारंटी दी है, उन्होंने कहा है कि MSP की गारंटी होगी, आरक्षण की बात उन्होंने की है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बातें सारी अच्छी हैं। MSP की, MSP तो पहले से मौजूद है, MSP है। देखिए, आपने देखा होगा, देखिए फसल से पहले रेट तय किया जाता है, वो MSP तो है, वो MSP है। गारंटी तो नहीं है ना उसकी, फिर वहाँ मंडी में जिस तरीके से किसानों को लाठियाँ खानी पड़ती है, वो सही से उसका रेट नहीं मिल पाता, उसके ऊपर कहना। असल में क्या है, देखिए हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ दो विचारधारा के लोग हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छाई में बुराई तलाश करने की यहाँ फितरत है, ये बहुत बुरी बात है। अब आपने देखा होगा, जब धान का रेट 2000 रुपये तय कर देते हैं, 3500 रुपये क्विंटल भी तो बिका, किसी ने तारीफ नहीं की है, नहीं बिका, बताओ 4000 रुपये क्विंटल भी बिका है, वो भी तो किसान का धान है। अगर धान की वैल्यू या धान की कीमत MSP के अंडरटेकिंग आई है, कोई आपका 2200 रुपये क्विंटल बिकना है या 1800 रुपये क्विंटल बिकना है, लेकिन बारीक धान जो है 4000 रुपये क्विंटल बिका है, ये भी तो इसी सिस्टम। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि जब ये ED और CBI का दुरुपयोग हो रहा है, कहते हैं कि जब कोई ऐसा मसला आता है तो ED और CBI को आगे कर देते हैं और उसको फिर गिरफ्तारी का वो होता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं आपको बताऊं, जो आदमी सत्ता में होता है, ऐसी अब से पहले पूर्व की कोई भी सरकार बताओ जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल ना किया हो, और गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग सब ने किया है। जो कैंडिडेट यहाँ ये मानते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं बताता हूँ, नहीं मैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ED और CBI का भाजपा दुरुपयोग कर रही है, मैं उनको साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि उनका तो विधायक भी, ED और CBI तो एक बहुत बड़ी संस्था है, उनका एक चुनाव विधायक भी सत्ता में उस जुल्म और ज्यादती की पराकाष्ठा पार कर देता था, ये सच्चाई है। जो जिस परिवार से गठबंधन का प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन का, इस परिवार का कर क्रिमिनल रिकॉर्ड उठा करके देखिए आप, अधिकारियों की, और फिर मेरे जैसे सभ्य आदमी के लिए एक संस्कारी नेता की ज़रूरत है। सच्चाई है, बदतमीज़ आदमी को हम ना पसंद करते और ना हम सपोर्ट करते, इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़ से। हालांकि मैं माननीय सांसद प्रदीप चौधरी से जिसे बिल्कुल फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं कर पाया, ना ही उनसे मेरा कोई ताल्लुकात बहुत अच्छा है। विधायक जी को मैं जानता हूँ, विधायक जी से हमारी मुलाकात हुई है और उन्हीं के सानिध्य में चेयरमैन चिलकाना ज़ाहिर हुसैन चांद साहब की सरपरस्ती में हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये सच्चाई है। और मेरी एक कोशिश है कि मुस्लिम बहुल्य गाँव जितने भी हैं, यहाँ से लेकर कैराना के आखिरी गांव तक, मेरी कोशिश यह है कि मुस्लिमों के गांव में मेरी ग्राम पंचायत से मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा परसेंटेज भाजपा के। अच्छा, क्या वो रिकॉर्ड जो आपकी प्रधानी की जीत का था वो बना पाएंगे? अब की बार ऐसे दिख रहा है कि भाई जैसे लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट अच्छा रहेगा जैसा आप प्रधानी में था आपका? देखिए उम्मीद ये करिए, मैंने आपको कहा कि यहाँ से 100-125 के आसपास भाजपा को वोट मिलते थे पहले, यही रिजल्ट, अब की बार इंशाल्लाह 1000 के आसपास वोट यहाँ से मेरा प्रयास है मिलेंगे, और मिलेंगे ही हर हाल में, ऐसा नहीं है कि कोई तुक्केबाजी है, मैं ग्राउंड पर मेहनत करता हूँ। 3 तारीख को मैंने यहाँ मीटिंग की अपने यहाँ अपने लोगों को, एक आम अच्छे जो जिम्मेदार लोग थे, मौजूद लोग थे, उनसे मैंने मुलाकात की, और अभी इंशाल्लाह ईद के बाद प्रोग्राम सेट करूँगा मैं अपने ही गाँव में, गली मोहल्ले में जो मेरे अपने लोग हैं, और वह मेरी बात पर लब्बैक करते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। ये सच्चाई है, मैं सियासत जो है खिदमत के लिए कर रहा हूँ, न कि किसी कोई मेरा कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, ये शौक़ है मेरा, जुनून है ये, और जब जुनून और शौक़ मेरा ये है तो मैं अपने आप में ये भी मैंने शामिल कर लिया कि मेरा ये एजेंडा है कि मैं जब विधायक जी से मिलूँ तो मैं शर्मिंदा ना हूँ, बस मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह। देखा जाए तो ये एक यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र है ये, और ये सरसावा का अंतिम गांव है, कैराना लोकसभा का भी अंतिम गाँव है। यहाँ से पिछली बार देखा जाए लोकसभा सन 2019 की बात करें तो यहाँ पे इतना रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था, और देखा जाए तो यहाँ 22 में भी यहाँ पे ऐसा जो लोग उपचुनाव था उसमें भी ऐसा ही रिजल्ट रहा था, और 22 में भी चुनाव देखा जाए तो ऐसा ही रहा था। लेकिन अब की बार जैसे देखा जाए मुस्लिम प्रधानों का समर्थन BJP को मिल रहा है, उससे समीकरण कुछ अलग ही नज़र आएगा। हमारे साथ खेड़ा मेवात से राव अब्दुल हाई जी मौजूद थे, जो मौजूदा प्रधान हैं, उन्होंने यहाँ के जो जातीय समीकरण है उसके अतबार से सब बताया और सारी ही बात की। यहाँ के लोगों से भी हमने बात की, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शन।